मानदेय मिलने के लिए प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को आवेदन दिया गया। इसके बावजूद भी विभागीय लापरवाही के कारण ललिता मुर्मू को अभी तक मानदेय नहीं मिल रही है। उन्हीं 1 जुलाई 2014 उन्हीं दो स्कूल गिन तहाय करना कोई उन्हें जांच करता दे तहाय करना जिला आपूर्ति पदाधिकारी गोंडा एबीई खलको 17 जुलाई दो इन दो मटे उन्हें सुंदर पहाड़ी रेन पियून सरदार हेम्ब्रम उन्हें दो मिटे स्पष्टीकरण एक उठ बन गया तब किन चलाओ ना इटा स्कूल ते तबे इन्हें कते इन दो नीत हो भी उन खोए नीत हरी इन दो पैसा की बन गया मकता आदो नीत अकोई टीचर जी बिना तपे उन्हें दो रजगी ही जुक ना स्कूल रजगी ही আর উনি টিচার জি তো দরমা হাই জামে কান গিয়া দরমা তো মেন্দাই বাই মাদিন কো বাই নিয়া বাই নিয়াম কদা এমতে দিন কালো মাই আকাল কিদা আদো কাহলে মা আসা কাম হেলে চালা কাহলে মা দো তো নি গে আয়ু জুনা মা বাবা জুনা মা চেউ কো হাসালা কুকু চালা আদো কাহলে দো তে গিদ্র কুলে গাতি চুকুয়া ওড়া কুলে হর হো চুকুয়া আদো মাতে রজিলো দো তে বালে কুলে কুয়া কুল হিলো দো হে হিলো দো কো হাজু কান গিয়া বাং হিলো দো বাং आश्चर्य की बात तो यह है कि जब ललिता मुर्मू को विद्यालय में उपस्थित पाया गया, छात्रों की उपस्थिति भी पाई गई, फिर भी इन शिक्षिका को कई आरोप लगाकर परेशान किया जा रहा है। ललिता मुर्मू को अपने परिवार चलाने के लिए कई समस्याओं का सामना करना पड़ रही है। ललिता मुर्मू के परिवार की रोजी रोटी इनके मानदेय पर ही आश्रित है। इस वीडियो को देखने वाले तमाम दर्शकों से मैं अपील करती हूं कि आप सभी गोड्डा जिला के उपायुक्त का नाम राजेश कुमार शर्मा तथा उनका मोबाइल नंबर 9431134597 पर कॉल करें एवं ललिता मुर्मू की सहयोग करें। मैं मेरी निशा हंसदा जिला गोड्डा झारखंड से इंडिया अनहद के लिए।